छपरा में गरीबों के अनाज पर डाका, टीडीएस डीलर कर रहा है मनमानी, ग्रामीणों को दे रहा घटिया राशन। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है छपरा के वार्ड नंबर 26 के लोगों का। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडीएस डीलर महीने में एक दो बार ही दुकान खोलता है। इतना ही नहीं, डीलर लोगों को बेहद घटिया राशन देता है। पानी टाइम से खुलबे नहीं करता है। एक तो सीसी स्टोर है धर्मशाला में, हम लोग को 3 महीने से दे नहीं रहा है। गरीब आदमी को यहाँ पे दूसरा कोई में कार्ड है तो कह रहा है कि नहीं हम नहीं देंगे, जाइए उधर लीजिए। नहीं, डेली नहीं खुलते हैं दुकान, तो डेली किसी का नहीं खुलता है। दुकान पे इसका डर गंदा रहता है कि वो तो धुलने पे 1 किलो का आधा किलो हो जाता है। इतना ही नहीं, जब मीडिया कर्मियों ने इस संबंध में जानकारी मांगी तो पीडीएस डीलर ने देख लेने की धमकी दे डाली। हालांकि बाद में डीलर ने गोदाम में राशन नहीं होने की बात कहकर मामले को संभालने की कोशिश की। क्या 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 करना चाह रहे बताइए, क्या बोले? अभी मेरा लाइसेंस रद्द करवाने की बात बोल रहे थे, बताइए। लोग कहते हैं कि हमको अनाज नहीं देता है, हमको अभी 11 बज रहा है दुकान नहीं खुला है, 11 बज रहा है दुकान नहीं खुली है, 11 बज रहा है दुकान नहीं खुला है। यहाँ का लोग कहना है कि रंगदारी बताते हैं आप, कहने का मतलब क्या है आपका? आप रंगदारी बताते हैं, रंगदार है आप? हम रंगदार थोड़े हैं। आप रंगदार हैं? अनाज नहीं है अभी आपके पास? नहीं। डीएम का आदेश था कि डेली दुकान खोलना है 10 बजे से लेकर शाम तक, काहे नहीं खुला अभी तक? अभी अनाज नहीं है गोदाम पे, कहाँ से? हर महीना अनाज नहीं आता है क्या? हर महीना अनाज आता है लेकिन अभी अनाज नहीं है। ओरिजिनल जो अनाज आता है वो कहाँ जाता है? यहाँ का लोग कहना है कि रद्दी अनाज मिलता है हम लोग को। जो देगा वही ना हम सरकार देंगे, सरकार जो देगा वही हम देंगे। ऐसे में जरूरत है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाए ताकि गरीबों की हक मारी ना हो।